शाम के बजे हैं लगभग 6:30 और इस समय हम बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा के ग्राम घुसराने में हैं। हमारे यहाँ आने का कारण है कि यहाँ पर एशिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप निकला है और उस जहरीले सांप की एक खासियत है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ और इस गांव के जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसे अजगर समझकर एक कट्टे में बंद कर लिया है और बाद में जब पता चला, जब उसका फोटो वगैरह खींच कर देख भेजा गया तो पता चला कि वो रसेल्स वाइपर है जो कि एशिया का सबसे जहरीला सांप है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचते जाएंगे हम दिखाएंगे आपको कि आखिरकार उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और साथ ही साथ कैसे और सांपों से वो अलग होता है और अजगर और रसेल्स वाइपर में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए हमारे साथ। शाम का वक्त था और हम भी शाम ढलते ही निकल पड़े थे उस विशालकाय जहरीले सांप को देखने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पवन कुमार स्नेक हैंडलर टीम के सदस्य भूपेंद्र सिंह, उबड़ खाबड़ रास्ते साथ में अनजाना रास्ता, बार बार हमारी गाड़ी रुक जाती थी और जहाँ भी कोई भी व्यक्ति मिलता उससे पता पूछा करते। बाद में पता चला कि अभी और दूर है जिस जगह पर एशिया का सबसे जहरीला सांप निकला है, तो फिर उसी जगह पर स्नेक हैंडलर टीम के साथ हम चल दिए। ये ग्रामीण खड़ंजा और साथ ही आसपास की खेती, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था इस गांव का। जब हम उस गांव की ओर अग्रसर हो रहे थे, उस जगह जा रहे थे जहां पर एशिया का सबसे जहरीला सांप एक बोरे में बंद पड़ा था, जैसे ही हम उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़े, मन में खौफ और साथ ही साथ मन में उमंग कि क्या होगा अगले पल। और हमारे साथ हमारी टीम के सदस्य सूरज कुमार भी मौजूद थे। तो देखिए आगे की रिपोर्ट। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि रसेल वाइपर जो है एक कट्टे में बंद है और पवन स्नेक हैंडलर टीम के सदस्य भूपेंद्र सिंह यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरे रसेल वाइपर का इस रेस्क्यू करने के लिए। और उसमें देखिए, आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से वो रसेल वाइपर को कट्टे के साथ पकड़े हुए हैं और अभी इसको खोल के भी दिखाएंगे और अजगर और साथ ही साथ रसेल वाइपर में अंतर भी पता चलेगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से कि किस क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए, भूपेंद्र भाई जो हैं इसको खोल के दिखा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सांप है, एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक यह माना जाता है और इसकी जो विशेषता होती है कि यह एस बनाकर, ये देखिए आप देख ही पा रहे हैं कि ये देखिए भाग रहा है, घुसेगा ना। ये देखिए, ये जो एस की आकृति बना रहा है यही इसका, ये अटैक करने का पूरा मन होता है जब ये एस की आकृति बनाता है। और इधर आए हैं, आप इस सांप की विशेषता देख रहे होंगे कि इस सांप की विशेषता है कि अजगर पर चौकोर टाइप के निशान होते हैं और इस पर गोल गोल निशान है, एक चेन सी बनी होती है और उसी प्रकार का यह रसेल वाइपर एशिया का सबसे जहरीला सांप है और काफ़ी अटैकफुल होता है। भूपेंद्र भाई बहुत आसान आराम से, और ये देखिए बहुत ही अटैकफुल सांप। ये थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहता है और उसी एक्टिव के चक्कर में मैं आपको बता दूं, पवन कुमार स्नेक हैंडलर की टीम के सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह जो इस सांप का रेस्क्यू करने के लिए आए हैं।
बहुत ही सतर्कता के साथ। और अब ये थोड़ा सा गुस्से में है क्यों, और इसकी एक और विशेषता ये है कि जब ये गुस्से में होता है तो ये देखिए सीटी की तरह, सीटी जैसी आवाज़ करता है, जैसे कुकर प्रेशर लगता है और उसकी कुकर की जो सीटी होती है उसी प्रकार से इसकी सीटी, और गुस्सेल सांप है काफ़ी। ये देखिए शरीर को फुला लेता है अपने, ओहो देख के ये थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है, इस वजह से इसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ओहो देख पैर पैर बचा के भैया, और डिब्बे के अंदर यह जा चुका है। ये देखिए ये बहुत ही सतर्कता वाली टेक्निक है सांप को पकड़ने की, जिससे कि कोई भी हानि ना हो। और अब ये डिब्बे के अंदर बंद कर लिया गया है, बाद में इसको इसकी प्रकृति अनुसार छोड़ दिया जाएगा। और इसमें थोड़ी सी आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, वो तो चली जाएगी। ये देखिए काफ़ी गुस्सेल सांप है ये, आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, लाइट जला लो। यही है रसेल वाइपर, और इसका देखिए जो धब्बे हैं, अगर आप अजगर को देखेंगे तो इसके धब्बे जो हैं वो अलग प्रकार के होंगे अजगर के, चोकोर टाइप के, लेकिन इसके जो धब्बे हैं वो जो हैं वो गोल्ड प्रकार के होंगे। कभी भी आप इस सांप को देखें तो इससे बहुत ही दूरी बना लें। और साथ ही साथ मैं इसकी एक और विशेषता बताऊं कि ये और सांपों की तरह जैसे कोबरा होते हैं और साथ ही साथ कॉमन करैत होता है, उससे कहीं हद तक अलग होता है, क्योंकि इसमें जो विनोम होता है वो हीमोटॉक्सिक नामक विनोम होता है, जो कि जब भी ये काटता है तो ब्लड क्लॉट कर देता है, जहाँ भी काटेगा वहाँ पर ब्लड क्लॉट कर देगा और वहीं से यह गैंग्रीन बना देता है। गैंग्रीन अर्थात जहाँ भी काटेगा वहाँ से बॉडी का गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। और अभी अभी भूपेंद्र सिंह जो हैं पवन कुमार स्नेक हैंडलर की टीम के साथ ही हैं। भूपेंद्र जी आपके माध्यम से क्या क्या इस सांप की विशेषता बताना चाहते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा ये रेस्क्यू तो हो चुका था, बोरे के अंदर था, लेकिन फिर भी ये भैया आए हमारे साथ में और मैंने उसे दिखाने की कोशिश की। लगभग मुझे 5 से 10 मिनट हो गया, मैंने कोशिश वो करी कि इसको हाथ लगा के बिना डब्बे के अंदर डाला, क्योंकि बोरे में खतरे से खाली नहीं था, कभी भी इसके दांत क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और कभी हमारे लिए खतरा हो सकता था, लेकिन मैंने इसके लिए प्लास्टिक के डिब्बे में डाला और कोशिश यही करी कि इसको हाथ ना लगाया जाए। हालांकि 5 से 10 मिनट हो गए, एक्टिव भी था जो कि आपने अभी वीडियो में देखा। रसेल वाइपर जो कि अपने एशिया का सबसे ख़तरनाक सांप माना जाता है, और इनको भैया ने अजगर का बच्चा समझ करके बोरे के अंदर डाला, जो कि इनसे काफ़ी बड़ी गलती हुई है, ऐसा ना करें, हमको समझाया है और आपको वीडियो के माध्यम से देखते भी हैं कि जो सांप है काफ़ी ख़तरनाक है। और मैंने भी काफ़ी सारे रेस्क्यू कर चुका हूँ, लेकिन मैंने भी इसको ऐसा रेस्क्यू किया जैसा मैं अपनी लाइफ का पहला रेस्क्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल भी हाथ टच नहीं किया इसके लिए और स्टिक के माध्यम से ही इसको डिब्बे के अंदर डाला। और यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ये हमारे पर्यावरण के सांप या जीव जंतु हैं इनको ना मारा जाए, इनको जो अभी अपने नज़दीक स्नेक रेस्क्यू हैं उनको बुला करके इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ कराया जाए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं, हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। गलती इंसान से ही होती है दोस्तों, जब भी बोलते हैं कि ये काट लेते इंसान की मौत हो जाती है, तो मौत जो होती है हमारी गलती से ही होती है, क्योंकि झाड़ फूँक तंत्र मंत्र इनके चक्कर में पड़े रहते हैं। जो बिना जहरीले सांप होते हैं उनको झाड़ फूँक वाले बचा लेते हैं, और जैसे जहरीले सांप होते हैं जैसे कि रसेल वाइपर है, इसका टाइम तो काफ़ी है, जो किताबों के मुताबिक जो बताया गया 72 घंटे तक इसका इलाज है, 24 घंटे के बाद में जिस जगह पर ये काटता है उस जगह पर सूजन हो जाती है, और जैसा भैया ने बताया अभी हीमोटॉक्सिक नाम का जो वेनम होता है इसमें, जो कि मांस को क्लॉट करता है,
24 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक ही मांस टूटने लग जाता है और दर्द की वजह से जो पेशेंट होता है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और समय से ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण 72 घंटे के बाद या 72 घंटे के अंदर अंदर उसकी कभी भी मौत हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सांपों को ना मारा जाए और जो भी अपने नज़दीक स्नेक रेस्क्यूअर हैं उनको बुला करके आप इनको रेस्क्यू करके इनको अच्छी सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाए, जिससे कि जिनकी जो बाकी की जो क्रिया है उसको पूरा कर सकें। और कभी भी जो सर्पदंश होता है अभी किसी को भी काटे तो सीधा हमें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना चाहिए। तो देखिए एक और बात भूपेंद्र जी ने बताई कि जब भी आपको सांप काटे तो सांप जैसे ही काटे तुरंत हॉस्पिटल का रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति जहरीले सांप का काटा हुआ कभी नहीं बचा सकता। जो झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति होते हैं ना उनके पास एंटीवेनम होता है, हॉस्पिटल्स में एंटीवेनम होता है, और साथ के साथ अपने जो पास के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अब सरकार ने यह व्यवस्था भी कर दी है कि जो आपके पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर एंटीवेनम आसानी से मिल जाता है। अगर वहाँ नहीं मिलता तो जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल जाएँ और अपना इलाज कराएँ। और साथ ही हमने इस जो रसेल वाइपर है साथ के साथ अजगर है उसका भी अंतर बताया, कभी भी रसेल वाइपर को अजगर ना समझें और इससे खास दूरी बनाए रखें जिससे कि किसी भी प्रकार का सर्पदंश ना हो। तो इसी प्रकार की खबर देखते रहिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा, हम आपको मिलते रहेंगे अपने चैनल के साथ। जय हिंद।